मैं मनोज स्वागत करता हूं आपका इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक इंस्पिरेशनल वीडियो में। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की, एक ऐसे नौजवान की जो हम जैसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जी हां, जब मैंने उनकी कहानी को जाना समझा तो मुझे लगा कि इस बात को पूरे देश में फैलना चाहिए। पूरे देश में नहीं तो कम से कम हरियाणा के युवाओं तक तो इस बात को जरूर पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी हाँ, एक आशा की किरण नजर आती है जब कोई इंसान समाज की बेहतरी के लिए अपनी तमाम अभावों और असुविधाओं के बावजूद समाज में कुछ बेहतर करने के लिए इस ढंग से प्रयासरत हो। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाल शिक्षा समिति गाँव हलेवा जींद के रहने वाले विक्रम जी की। जी हाँ, विक्रम जी इस समिति के तत्वाधान में वहां पर एक बेहद ही अच्छा कार्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो शिक्षा उसमें एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा साधन है जो वाकई इस दिशा में समाज को आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों, विक्रम जी खुद तमाम असुविधाओं के बावजूद, तमाम अभावों के बावजूद वहां पर इस समिति के तत्वाधान में, इस समिति के अंडर, इस समिति के बैनर के नीचे जो कि उनकी खुद की बनाई हुई है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में बच्चे उनसे फ्री की शिक्षा, मुफ्त की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास वो संसाधन नहीं है जो उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो सके, मिल सके, उन सभी वंचित बच्चों के लिए विक्रम जी बहुत ही अनूठा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस समिति के अंडर उनको तमाम सुविधाएं मिल रही है जो किसी बच्चे के शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं दिखाऊंगा कैसे वो समिति कार्य कर रही है, कैसे कितने बच्चे वहां आते हैं, किस प्रकार से टीचर उनको पढ़ाते हैं। श्री विक्रम जी ने मुझे स्पेशली इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करने के लिए कहा, तो यकीन मानिए मैं मना नहीं कर पाया। इतने बेहतर और अच्छे सामाजिक कार्य में अगर मेरी थोड़ी सी भी ये योगदान रूपी आहुति उसमें डलती है तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। आप सब लोग भी दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को आगे, इसमें आपको पूरा एक वहाँ की कार्यशैली, किस किस तरीके से लोग, बच्चे फायदा उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि उनके पास कोई धन का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है, अभावों में है, खुद बेरोजगार हैं, हमारे HSSC की तमाम परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ, बच्चों के लिए कुछ करने का उनमें एक थोड़ा सा वो है। वेलकम टू ऑल, आई वांट टू टेल यू विद ग्रेट प्लेजर दैट व्हिच इज दिस आवर इंस्टीट्यूशन named Dr. B.R. Ambedkar has been giving services in our village named Aleva since 2 years. In this institution, all poor children of village are given free tuitions. Children of every community of village come here to read. Here, children are given tuitions of all subjects till class 10th. Every person of the village has a ego role in the conduct of... मर्द कुर्ता धोती और पगड़ी और औरतें घाघरा चोली। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। कुर्ता धोती औरतें घाघरा चोली। शाबाश। यदि तुम्हारे स्कूल में क्या बैठो कितने बार? हाँ कितने बार? हाँ सभी शाबाश, एक मिनट बैठो भाई, सभी शाबाश। किताब में जान सबका, किताब में जान सबका शाबाश। किताब में आंसर का, किताब खोले भाई, किताब खोले, किताब शाबाश दे, खबर वाला काम करें दे शाबाश। सुना नहीं जस्ट में बैठे बैठ बैठ बारह।
नाम श्रुति है, मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं और फीस भी नहीं ली जाती। जिला मैं 7th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कोमल है, मैं 7th कक्षा में पढ़ती हूँ और यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाते हैं। मेरा नाम नवीता, मैं 8th कक्षा में हूँ। हमारे यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा नाम मुस्काना, मैं 7th कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ के सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं 6th कक्षा छात्र हूँ। हमारे यहाँ पर निःशुल्क स्टेशनरी दी जाती है। मेरा नाम रीता है, मैं 7th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कार्तिक है और मैं 5th कक्षा में पढ़ता हूँ। और यहाँ के सर बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं 9th कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर हर विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है और हर विषय पर काम करवाए जाते हैं।